नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेबी स्वेटर बनाएंगे 3 से 4 साल के बच्चे के लिए एक नए स्टाइल में। तो मैंने बॉर्डर में 72 स्टिचेस डाले हैं। अब हम इन फंदों को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 72 फंदों को, यहाँ पे हमारे बॉर्डर पे 72 फंदे हैं, इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट में हमारे 15 15 फंदे रहेंगे। ये चारों पार्ट में हमारे इक्वल फंदे रहेंगे 15 15, और डिवाइडर पे मैंने 3 3 फंदे रखे हुए हैं। तो 72 फंदों को हम इस तरह बांटेंगे, 3 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 15। तो 72 फंदों को हम इस तरह बांटेंगे, 15 फिर 3 फिर 15 फिर 3 फिर 15 फिर 3 फिर 15 फिर 3। इस तरह हम 72 फंदों को 4 हिस्सों में बांटेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर का छठा लाइन है। तो ये ऊन अपनी ओर है, तो एक फंदा हम, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 3 फंदे बचे हैं, तो एक फंदा हम और उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद ऊन ऐसे अपनी ओर लाएंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। और इसके साथ ही हमारा ये बटन होल बन गया है। अभी तक हमने 10 नंबर की सिलाई से बुना था बॉर्डर, और अब हम 9 नंबर की सिलाई से बुनेंगे। और अब फंदों को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, एक, ये 2, और ये 3 फंदे सीधे हो गए हमारे डिवाइडर के। अब ऊन को दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और 15 फंदे उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब ऊन को अपनी तरफ रखे रहेंगे और 3 फंदा सीधा, एक, दो, तीन। ये हमारा सेकंड डिवाइडर हो गया। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। अब उनको दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और वापस 15 फंदा बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ऊन को अपनी तरफ रखे रहेंगे और 3 फंदा सीधा, एक, दो और 3। अब ऊन दूसरी तरफ है तो इसे दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और 15 फंदे उल्टा बनाएंगे, 12, 13, 14, 15। अब ऊन हमारी तरफ ही है और फिर 3 फंदे सीधा, एक, दो, तीन। अब हम ऊन को दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और 14 फंदा उल्टा बनाएंगे, 12, 13 और 14। अब 14वें फंदे में हम 2 बार बुनेंगे, एक बार उल्टा बुना और इसी में एक बार सीधा, और फिर लास्ट का ये 15वां फंदा, इसे हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर राइट साइड में हैं और बॉर्डर के बाद ये तीसरा लाइन है। तो 3 फंदा सीधा बनाएंगे हम, ये हमारे डिवाइडर के 3 फंदे सीधे हो गए, 3 फंदे सीधे हो गए।
और अब उनको दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे। और दोनों तरफ जाली पड़ने से दो फंदे बढ़ गए, 15 फंदे थे, तो अब 17 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 17 फंदा उल्टा बुनने के बाद उन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और 3 फंदा सीधा। अब उन दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और 17 फंदा उल्टा। सत्रह फंदा उल्टा बुनने के बाद ऊन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, फिर ऊन दूसरी तरफ ही है, फिर 17 फंदा उल्टा। 17 फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर हम ऊन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे, 3 फंदा यहाँ सीधा बुनेंगे, यानी हमें हर डिवाइडर के दोनों तरफ राइट साइड से दोनों तरफ जाली डालना है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब हम गले की तरफ से स्वेटर बुनना शुरू करते हैं, 5 भागों में डिवाइड करते हैं, मैं इसमें 4 भागों में ही डिवाइड कर रही हूँ। लेकिन हम जब डिवाइडर के दोनों तरफ सामने की तरफ से हम डिवाइडर के दोनों तरफ जाली बनाते हैं या किसी विधि से यहाँ 2 फंदे बढ़ाते हैं, यानी हर सीधी लाइन में हमें डिवाइडर के दोनों तरफ 2 फंदे बढ़ाने होते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 4 हिस्से में ही बांटा है। तो एक डिवाइडर यहाँ पे ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है। तो इस डिवाइडर के इस साइड में तो फंदे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड में हम फंदे नहीं बढ़ा सकते, तो दूसरी साइड में हम इस साइड में फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम जाली डालेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे कि अब हमारा ये 2 फंदे लास्ट में बचे हुए हैं, तो पहले सेकेंड लास्ट में एक बार उल्टा बुनेंगे और फिर इसी में सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया और लास्ट फंदा आया जिस स्टिच है उसे हम सीधा बुनेंगे। और अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम सारे फंदे बुनते हुए, उल्टा बुनते हुए हम अपने डिवाइडर के पास आएंगे। तो डिवाइडर के पास आके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे बुन लिए हैं और ये जाली भी देखिए ये बुन लिया है। अब हमारे पास ये डिवाइडर के 3 फंदे हैं, तो तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, उन सिलाई में ऐसे चढ़ाएंगे और एक और उल्टा, यानी कि 3 फंदों से हमने 3 फंदा बना लिया। अब फिर हम उल्टा उल्टा बुनते हुए दूसरे डिवाइडर के पास आएंगे। तो अब हम दूसरे डिवाइडर के पास आ गए हैं और ये हमने जाली बुन लिया। अब हमारे पास ये 3 फंदे डिवाइडर के, जो ये मेन डिवाइडर है उसके 3 फंदे बचे हुए हैं। तो तीनों फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, उन सिलाई में ऐसे चढ़ाएंगे और फिर इन तीनों को एक उल्टा, और फिर हम शेष फंदे बुनते चले जाएंगे तीसरे डिवाइडर के पास। ये हमने 2 बुन लिया, अब तीसरे डिवाइडर के पास भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमने जाली बुन लिया, फिर 3 फंदे डिवाइडर के हैं, तीनों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा, उन सिलाई में ऐसे चढ़ा के लाएंगे और फिर एक उल्टा। अब दूसरा हमारे पास ये जाली है, उसको बुनते हुए हम अब चौथे डिवाइडर के पास आएंगे। तो हमने सारे फंदे बुन लिए, ये हमारा जाली है, फिर 3 फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा, उन सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर एक उल्टा, यानी 3 से 3 फंदा बना लिया। अब ये हम राइट साइड में आ गए हैं और हमारा ये बॉर्डर के बाद से 5वां लाइन है। तो डिवाइडर के 3 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, 2, 3, और 3 फंदा बुनने के बाद उनको दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और हम शेष फंदे दूसरे डिवाइडर तक के सभी फंदे उल्टा बुनेंगे। तो अब इस लाइन में फिर 2 फंदे बढ़ने से अब यहाँ पे 19 फंदे हो गए हैं। पहले 15 थे, फिर 17 हुए, फिर 19, हर सीधी लाइन में 2-2 फंदे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम
19 फंदे बुन के फिर आपको दिखाते हैं। ये 19 लाइन बुना जा चुका है। अब उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और 3 फंदे सीधा, ये जो डिवाइडर के 3 फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो 3 फंदे सीधा बुन लिया। अब उन दूसरी तरफ ही है और अब सभी फंदे उल्टे, यानी 19 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हम फिर डिवाइडर के पास आए हैं तो उन अपनी ओर ही रखे रहेंगे और 3 फंदा सीधा, यानी हर सीधी लाइन में हमें डिवाइडर के दोनों तरफ ऐसे फंदे बढ़ाते हुए जाने हैं और बीच के सारे फंदे दोनों साइड से उल्टे ही रहेंगे। हम सिर्फ डिवाइडर के फंदे सामने से सीधा बुन रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा जाली है और 4 जाली कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 जाली कंप्लीट हो गया है, 1, 2, 3, 4, और हम रॉन्ग साइड में हैं। तो यानी कि 8वां लाइन बॉर्डर के बाद से ये 8वां लाइन। तो अब फिर हम तीनों फंदों को, ये डिवाइडर के 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, उन सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर तीनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा, और फिर शेष सभी फंदे उल्टे बुनते चले जाएंगे और दूसरे डिवाइडर के पास आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदे उल्टे बुन लिए और दूसरे डिवाइडर के पास आ गई हूँ। ये जाली वाला फंदा है, इसे भी उल्टा बुन लिया। अब ये डिवाइडर के 3 फंदे उल्टे हैं तो तीनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर उन सिलाई में ऐसे लपेटेंगे और फिर इन तीनों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा, और फिर शेष फंदे यानी उल्टे, यानी हम अपने 8वें लाइन में रॉन्ग साइड में हैं, सभी फंदे उल्टे बुनते जाएंगे और जो डिवाइडर के फंदे हैं उन्हें तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए फिर 3 का 3 बनाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दे रहे हैं ताकि अच्छा लगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 6 जाली कंप्लीट हो गया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और हम रॉन्ग साइड पे हैं, यानी कि 12वें लाइन पे। बॉर्डर के बाद ये हमारा 12वां लाइन है। तो हम इन तीनों फंदों को, डिवाइडर के तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए 3 का 1 कर लेंगे। यानी कि जब 2 जाली कंप्लीट हो जा रहा है, या यूँ कहिए कि हर चौथे लाइन पर हम रॉन्ग साइड से इन डिवाइडर के 3 फंदों को एक साथ ले रहे हैं और 3 का 3 वापस कर दे रहे हैं। ये हमने 3 फंदों को लिया और 3 फंदों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा, फिर उन सिलाई में चढ़ाया, फिर उल्टा, यानी 3 से 3 फंदे बना लिए। तो हमें हर चौथे सिलाई में ये करना है ताकि एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता जाए। अभी दिखा रही हूँ। देखिए, ये एक सुंदर सा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो हर चौथे सिलाई में ऐसे डिवाइडर के फंदों को 3 से 3 बनाते हुए हमें, ये हमारा 6ठा जाली कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह हम कुल 20 जाली बनाएंगे और हर चौथा सिलाई, यानी कि हमारा ये रॉन्ग साइड आएगा, हर इवन नंबर हमारा रॉन्ग साइड में आएगा। तो हर चौथे सिलाई में हम इन 3 से 3 फंदा करते चले जाएंगे। तो मैं 20 जाली कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 20 जाली कंप्लीट हो गया है और हमारा स्वेटर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हमने इसमें 72 स्टिचेस डाले थे, 3-3 फंदे डिवाइडर पे रखे थे और 15-15-15 फंदे चारों साइड्स में रखे थे। और 20 जाली बनने के बाद 20 फंदा इधर से बढ़ा, 20 फंदा इधर से बढ़ा, 20 इधर से, 20 इधर से, 20 इधर, 20 इधर, 20 इधर, 20 इधर, यानी एक पोर्शन में 40 फंदे बढ़ गए। तो 15 हमारे पास यहाँ ऊपर थे और 40 फंदे 20 इधर से, 20 इधर से, 40 फंदे बढ़ने से यहाँ पे 55 स्टिचेस
हो गए हैं। तो मैं ये 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, बेबी बॉय के लिए बना रही हूँ। और इस समय इसका लंबाई है ये 5 इंच है, और ऐसे हम लें तो 5.5 इंच है, ऐसे साइड से 5.5 इंच है, कॉर्नर से 5.5 इंच है, और फ्रंट से ऐसे 5 इंच है। तो मैं ये 3 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। अगर आपको बड़ा बनाना हो तो आप साइड्स में दो दो फंदे, एक एक फंदे ऐसे अपने हिसाब से बढ़ा लें, एक फंदे या दो फंदे बढ़ा लें, और आपको लंबाई में भी 4 सिलाई पर ऐसे 3 का 3 बनाया जा रहा है, तो आप लंबाई में भी इसको बढ़ा सकती हैं। सेम प्रोसेस यही रहेगा और ऐसे स्वेटर बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा 20 लाइन कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारा ये अपर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको लास्ट लाइन हम इसका बनाएंगे। तो ये हमारा लास्ट लाइन है, यानी कि 21वां लाइन। तो 3 फंदे हम बुन लेंगे, 2 3। अब ऊन आगे करेंगे, यहाँ हमको फंदा नहीं बढ़ाना है, और फिर या तो दो दो फंदों को ऐसे लेते जाएंगे, इसको वापस इसमें करेंगे, और दो दो फंदों को लेते जाएंगे और हम इसको क्लोज करते। ये हमने दो दो फंदों लिया, क्लोज किया, ये वापस इसको बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और क्लोज कर देंगे। तो एक डिवाइडर से दूसरे डिवाइडर तक के, यानी जाली के पहले तक के सारे फंदे हम, बस 3 फंदों को छोड़ के सारे फंदे हम क्लोज कर देंगे। तो हम मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। तो जाली से जाली तक के सभी फंदे हमने घटा लिए। अब ये हमारे डिवाइडर के 3 फंदे हैं, इस फंदे को भी हमें क्लोज करना है। तो इससे सीधा बुनते हुए और इसको इस पे चढ़ा देंगे, तो हमारे फंदे ये क्लोज हो गए हैं। तो अब ये हम सीधा बुनेंगे, और अब ये अब हम सारे फंदे सीधा बुनेंगे। अभी तक हमने उल्टा बुना था, अब ये फंदे जो हैं हम सीधा बुनेंगे, ये डिवाइडर के बाद जाली तक, ये डिवाइडर तक के सारे फंदे हम सीधा बुनेंगे। तो सीधा बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे एक पोर्शन में 55 फंदे थे, 55 स्टिचेस थे, और डिवाइडर को हम मैंने इसी में ले लिया है, तो 3 इधर से और 3 इधर से मिले, यानी कि 61 स्टिचेस हो गए। अब हम फिर यहाँ पे जाली के पास पहुँच गए हैं, डिवाइडर को हमने इस साइड में ले लिया है। तो ये आस्तीन के फंदे हैं, यानी एक जाले से दूसरी जाले तक। तो इसे हम अभी तक इसको हमने सीधा बुना है, अब ये ऊन अपनी ओर करेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे, दो दो फंदों को लेंगे और 2 का 1 करते जाएंगे। तो जाले से जाले तक के सभी फंदे हम उल्टा बुनते हुए घटा लेंगे। देखिए इसको बाइंड ऑफ कर रहे हैं हम। तो सारे फंदे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे क्लोज हो गए हैं और ये लास्ट फंदा है। तो इसे डिवाइडर के फर्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे और इसको इस पे चढ़ा देंगे। तो हमारे 55 फंदे क्लोज हो गए, और फिर इन सारे फंदों को जो शेष बचे हुए हैं उन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। अब इन सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपर पार्ट तैयार हो गया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।